Hey, what's up guys, this is Shantanu and welcome back to my channel TikTok San. So दोस्तों आपने शायद देखे होंगे कि अभी हर एक स्मार्टफोन्स कंपनी बहुत सारे वेरिएंट्स पे फोन लॉन्च करता है, 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB तक फोन लॉन्च करता है. सो अगर आप आज की डेट से 5 साल पीछे चले जाओ तो आज के जमाने में जो 6GB वाला फोन आपको मिल रहा है, लेकिन 5 साल पीछे आपको 512 MB का जो रैम वाला फोन मिलेगा और वो भी फोन काफी तगड़ा फोन था. लेकिन आज के जमाने का जो 6GB वाला फोन है वो भी एक साल बाद हैंग करने लगता है. सो ऐसा क्यों होता है? और ये जो फोन्स कंपनी होता है ये एक ही फोन को बहुत सारे वेरिएंट्स में लॉन्च क्यों करता है, ठीक है? सो इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको. अगर आप थोड़ा टेकी बनना चाहते हो, थोड़ा टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो कर देना लाइक. उसके साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं. तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं. तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि आज के जमाने में 6GB वाला फोन हैंग क्यों करता है और 512 MB रैम वाला फोन 5 साल पीछे चले जाओ तो 512 MB जो फोन है वो हैंग क्यों नहीं करता था, ठीक है? सो ये टॉपिक पे बात करने के पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ रैम क्या है. हाँ दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि रैम क्या है, रैम का पर्टिकुलर काम क्या है स्मार्टफोन में, ठीक है? तो पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ रैम के बारे में. रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का काम होता है कि आपके स्मार्टफोन में जितने भी डेटा वगैरह है उस डेटा को टेम्पोरली स्टोर करके रखना, ठीक है? जैसे कि आप किसी भी एप्स को, किसी भी वीडियो को, किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड कर रहे हैं, सो डाउनलोड करने के बाद जब आपके फोन में स्टोर होगा तो वो होगा रोम पर. रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? सो ये परमानेंटली स्टोर करके रखता है रोम, और ये जो रैम है ये टेम्पोरली स्टोर करके रखता है. सो जैसे कि आपके फोन में 6GB रैम है, सो आप 6GB तक रैम, ऑलमोस्ट 6GB तक आप एप्स, वीडियो कुछ भी डाउनलोड करके रख सकते हो परमानेंटली. लेकिन आपके फोन में अगर 6GB रैम है तो आप क्या करोगे, आपके फोन में जब मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप, जैसे कि आप फेसबुक खोले हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सब कुछ आप एक साथ कर रहे हो, तो आपके फोन में रैम जितना ज्यादा होगा आप उतने स्मूथली इस सभी एप्स को एक साथ चला सकते हो, ठीक है? जितने देर तक आप ये एप्स को चलाते हो ये सब कुछ स्टोर होता है रैम पे. लेकिन जब भी आप इस एप्स को ऑफ कर देते हो, यानी कि क्लोज कर देते हो, ठीक है, जैसे कि हमने फेसबुक को लॉग आउट करके हटा दिया, मिनिमाइज करके रखते हो, उसे हटा दिया, तो ये चला जाता है रोम पे. रोम पे स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है? तभी इस रैम पे कोई काम नहीं होता है. तो आपने समझ लिया होगा टेम्पोररी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं कि 5 साल पहले जो 512 MB रैम था उस फोन में उतना ज्यादा हैंग नहीं करता था, लेकिन 6GB फोन क्यों हैंग कर रहा है. देखिए दोस्तों, अभी 6GB रैम वाला फोन क्यों लॉन्च हुआ है ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पीछे अगर आप जाते हो तो 5 साल पीछे 512 MB जो रैम वाला फोन था उस फोन में जो एप्स आते थे, जो वीडियोस आते थे, उस वीडियो का क्वालिटी बहुत ही कम होता था और उतना ज्यादा यूट्यूब पे लोग वीडियोस नहीं देखते थे, 1080p या 720p पे कोई वीडियोस नहीं देखते थे. उसके साथ जो एप्स वगैरह होता था वो बहुत ही लाइट वेट एप्स होता था, यानी कि 1 MB, 2 MB, 5 MB का एप्स होता था. वीडियोस, गाने भी, जितने भी MP3 गाना होता था या वीडियोस होता था वो भी 5 MB, 10 MB का होता था. लेकिन आज के जमाने में एक फोटो का क्वालिटी आप देख लो तो 25 MB का एक फोटो होता है, हाँ 25 MB का एक वीडियोस का 500 MB का एक वीडियो ही होता है. अगर आप कुछ गेम को देख लो, पबजी को ही आप देख लो, पबजी का जो साइज है वो है 2GB. सो 2GB का एक गेम अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको 6GB फोन लेना ही पड़ेगा. लेकिन 6GB रैम वाला फोन में भी दोस्तों जब बहुत ज्यादा एप्स हो जाता है, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग आप कर लेते हो तो ये फोन हैंग करने लगता है, ठीक है? क्योंकि वो तब ओवरलोड हो जाता है, 6GB फोन में भी ओवरलोड हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए 6GB फोन भी हैंग करता है. सो अभी हम बात करते हैं कि हर एक स्मार्टफोन पर बहुत सारे वेरिएंट्स पे क्यों फोन निकल रहा है, 2GB, 4GB, 6GB पे फोन क्यों निकल रहा है. क्योंकि दोस्तों देखिए, ये सिर्फ पब्लिक डिमांड के लिए. अगर आपके पास 6GB फोन खरीदने का पैसा नहीं है, 6GB फोन अगर है तो इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है? 6GB फोन खरीदने का आपके पास पैसा वगैरह नहीं है या आपके नीड नहीं है, आपका नीड नहीं है कि आप 6GB फोन नहीं खरीदना चाहते, 4GB खरीदना चाहते हो, 4GB से आपका काम चला जाएगा. सो इसीलिए हर एक स्मार्टफोन कंपनी 4GB, 6GB, 8GB फोन वेरिएंट निकालता है. और उसके साथ अगर आप 2GB वाला जो फोन होता है, अभी भी 2GB फोन चलता है, 1GB भी फोन चलता है. क्यों चलता है? क्योंकि दोस्तों जितने सारे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मम्मी पापा या हमारे
दादी अम्मा जो होता है वो अगर स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं, आपके छोटे फोन को यूज नहीं करना चाहते हैं, स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये 1 GB या 2 GB फोन बहुत ही ज्यादा होता है, काफी होता है, 2 GB रैम वाला फोन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये 1 GB 2 GB फोन आप दे सकते हो उन लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं गेम्स की, हाँ, अगर आप आपके फोन में हेवी गेम खेलना चाहते हैं, अगर आप 3 GB 4 GB का जो गेम होता है वो गेम आप खेलना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 GB वाला फोन लेना ही चाहिए। और अदरवाइज आप अगर थोड़ा बहुत गेम प्ले करते हैं या थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको 4 GB से आप काम चला सकते हो, ठीक है। आप सभी जान गए हैं कि ये जो स्मार्टफोन कंपनी इतने सारे वेरिएंट पे फोन लॉन्च क्यों करता है, उसके साथ आज के डेट में 6 GB वाला फोन में क्यों हैंग करता है, और ये अगर आपको फोन लेना है तो आप कितने GB फोन ले सकते हो रैम वाला, ठीक है। सो ये सारे के सारे जानकारी के बाद मैं सिर्फ आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, प्लीज एक लाइक जरूर करना, उसके साथ वीडियो को समझने में कहीं भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आपके मन में है तो आप मेरे कुछ कोई भी वीडियोस पे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। उसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ भी आप सवाल मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक सवाल का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों अगर मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।